नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आइए आज बनाते हैं भरवा कुंदरू। वैसे तो कई तरीके से कुंदरू बनाते हैं, लेकिन ये तरीका कुछ डिफरेंट है। इसको बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो है देखिए। ये हमने 250 ग्राम कुंदरू लिए हुए हैं, जिसको हम अभी उबालने के लिए रख देंगे। इसके लिए हमको चाहिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और हमको 1 चम्मच नमक चाहिए। और ये हमको इसमें 1 कटोरी तेल है, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा चाहिए। और इसमें हमने थोड़े मूंगफली के दाने सेक कर पीस कर रखे हुए हैं। और इसमें हमको डालने के लिए सौंफ चाहिए और ये थोड़े से कड़े पाक के पत्ते चाहिए। तो चलिए हम कुंदरू उबालने के लिए रख देते हैं। कुंदरू उबलने के लिए हमने रखे थे, इसको उबालते टाइम हमको इतना ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा नहीं उबालना है। इसमें ऐसा नखून डाल के ऐसा देख लेना है, इससे मालूम पड़ जाता है कि पहिए उबल चुके हैं कुंदरू। चलिए हम इसको साइड से, दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा कट करके और ऐसे बीच में से चीर के रख लेते हैं इसको। इसको हमें ऐसे बीच में से चीर चीर के सबको रखना है। आइए, हमने देखिए इसको साइड से काट के और ऐसे बीच में से इसको हमने चीर कर रख लिया है। और जब तक ये थोड़े ठंडे होते हैं, जब तक हम एक प्लेट में मसाले मिला लेते हैं। ये देखिए, हमने इसमें 2 चम्मच जो हमने फली पीस कर रखी हुई थी, मूंगफली के दाने सेक के जो पीस के रखे थे, वो 2 चम्मच डालेंगे इसमें। और हम इसमें 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और हम इसमें ये 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने जो इसमें रखे हुए थे ये कुंदरू, चलो हम इसको थोड़ा सा खोल के इसमें ये मसाले भर लेते हैं। ऐसे हम इसको थोड़ा सा खोल के इसमें पूरे मसाले भर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे हम भर भर के रख लेंगे। ये देखिए, ऐसे हम भर भर कर सबको रख लेंगे। ये देखिए, हमने पूरे भर के रख लिए हैं। चलिए हम तेल गरम करते हैं। इसे हम जीरा नहीं डालेंगे, इसे हम सौंफ के दाने डालेंगे ताकि टेस्ट इसमें अच्छा है। ये भरवा कुंदरू की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है, इसको हम फ्रिज में भी लगा कर रख सकते हैं, कम से कम 15-20 दिन आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। चलो, हमारा तेल गर्म हो चुका, हम इसे सौंफ के दाने डालते हैं। ये हमारा छौंक तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे। हमने जो ये कुंदरू भर कर रखे हुए थे वो इसमें डाल देते हैं। ये हमने सिर्फ कुंदरू भर कर रखे हुए थे, इसमें जो मसाला थोड़ा बचा हुआ था वो हम बाद में डालेंगे। अभी डालेंगे तो मसाला जल जाता है। चलिए, हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। आइए, जो हमारा ये मसाला बचा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। इसको हम जब अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा
उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी सिर्फ थोड़ा ही डालना है ताकि सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। आइए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, ये देखिए आप। भरवा कुंदरू की सब्जी आप घर में बनाइए और देखिए, आप खुद भी बोलेंगे कि वाकई सब्जी टेस्टी बनी है। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है।